तो ये देखे प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को देखो अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं रेडियस ऑफ द एलुमिनियम यहाँ पे दिया हुआ है और जेड जो है वो क्या है एटॉमिक uh, नंबर है और जो ट्वेंटी सेवन है वो मास नंबर है सम ऑफ द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज टेकन टू द दर एंड द रेडियस ऑफ टी न्यूक्लियस दिया हुआ है वो टी है तो तो इसकी न्यूक्लियस पूछ रहा है ठीक है ना तो अगर देखोगे कि किसी ये न्यूक्लियस है आप फार्मूला पढ़े हो किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस आर इज इक्ल टू आर नॉट इज इक्वल टू ए की पावर वन बाई थ्री आर नॉट जो है वो कांस्टेंट है ठीक है और आर जो है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ए जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है मास नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ठीक है तो यहाँ से जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल है मास नंबर के वन बाई थ्री से ठीक है तो ये टी एच जो है रेडियस यहाँ से रेडियस ऑफ टी ई अपॉन रेडियस ऑफ यहाँ से एलमोनियम ए एल मस्ट बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ से मास नंबर ऑफ टी ई और मास नंबर ऑफ एलमोनियम का पावर वन बाई थ्री अब जो टी है उसका मास नंबर यहाँ से वन ट्वेंटी फाइव आपको दिख रहा है ठीक है ये जो टी है यहाँ पे दिया हुआ है 125 अपन फिफ्टी थ्री तो ये नंबर प्रोटॉन्स है और ये जो है ठीक है ना तो वन ट्वेंटी सेवन है तो ये पावर वन बाई थ्री यहाँ दिया हुआ तो इसको फाइव बाई थ्री की पावर थ्री लिख सकता हूँ और इन सब पे वन बाई थ्री चढ़ा हुआ है तो ये थ्री थ्री कट जाएगा तो ये बचेगा फाइव बाई थ्री मतलब यहाँ से जो है रेडियस ऑफ आ जाएगा आ, बाई और रेडियस ऑफ एलुमिनियम तो मतलब यहां से अपना डी ऑप्शन सही हो जाता है ठीक है थैंक यू